अच्छा जी, हम टास्क शुरू करने वाले हैं। आपको कुछ कहना है? सना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ कह रही हैं आप? कुछ नहीं कहना, पक्की बात है? कुछ कहना इन्होंने आपसे? कुछ शुरुआत तो की थी कहने की, लेकिन मैं खाले फिर बीच में ब्रेक आ गई थी तो। ये लीजिए, क्या कहना बता दीजिए, बोलिए। बस नादिया मैम बेवजह ना मिस्टेक्स निकालती रहती हैं, और मेरा ना ग्रे फाउंडेशन हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ग्रे हुआ हुआ है। अपने सैलून में मैं 25-25, 30-30 मेकअप करती हूँ, लेकिन नादिया मैम ने मेरी बेवजह जो है ना मिस्टेक निकाल दी, तो इस पर मुझे बहुत बुरा लगा। और बस अभी आज भी जो है ना मुझे यही डर है कि वो बेवजह की मिस्टेक्स ना निकालें। एन जी मैम ने तो जो है ना कम जो है ना मेरी मिस्टेक्स निकाली थी, लेकिन उन्होंने जो है ना मैम ने फाउंडेशन मेरी मॉडल का कलर कॉम्प्लेक्शन डल पर था, लेकिन मैंने थोड़ा वन टोन अपर लिया, लेकिन बस उन्होंने निकाल दी। अब क्या करें? अच्छा, अब एक बात बताओ सना, अगर मैं जज हूँ तो मेरा काम क्या है? मिस्टेक निकालना। हाँ, तो अगर मैं मिस्टेक ना निकालूँ तो मैं जज अच्छी हुई कि बुरी? अच्छी। अच्छी, आज तो मैंने बहुत अच्छा बनना है, ठीक है ना, खास तौर पे तुम्हारे साथ। समझ आ रही है ना? इंशाल्लाह। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। बाद में रोना मत, मुझे मत बोलना फिर, ठीक है ना? दो जजेस आपके साथ कोऑपरेट, कोऑपरेट तो यहाँ कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। ये तो मैं आप, नहीं नहीं नहीं, देखें ये मुकाबला है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मुकाबला है। मुकाबले में कोई किसी का फेवरेट नहीं हो सकता। एनआई साइड विद नादिया। अगर जिनके मेकअप्स अच्छे नहीं थे उनको प्रमोट कर रही थी, और मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ था, ग्रे पे था भी नहीं, फिर भी मेरी मिस्टेक। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, डेफिनेटली अगर आप, शायद आपका इशारा रबिया की तरफ है, रबिया जो हैं वो उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। डेफिनेटली जब हम लोगों ने एक ट्विस्ट किया उसके अंदर, टास्क के अंदर, क्योंकि हमने मॉडल चेंज कर दी, तो ये रबिया की गलती है और हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। इसी वजह से वाइल्ड कार्ड पे ही वापस आई हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स थे वो शायद हमारे नज़दीक इतने बेहतर जो हैं वो हमें रबिया लग रही थी, तो इस वजह से रबिया को हम ले आए हैं। तो अब देखते हैं कि आप लोगों में से दम जो है वो किस में। और जब मैंने शुरू किया था तब भी ये बताया था कि अगर कल वाइल्ड कार्ड एंट्री ना होती तो आज रबिया यहाँ नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होती। कल अबीर ने सबको सरप्राइज किया था, और अबीर का जो फाइनल मेकअप था वो बहुत अच्छा था। और प्लस दूसरी बात ये, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ना जजेस के मामले में जस्ट बिकॉज हमारी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही होती तो हम जजेस पे बेजा तनकीद करते हैं। टू मी आई थिंक दैट्स नॉट राइट। और मैं नादिया के साथ, आपको जवाब देना, ऑलराइट, माइक दीजिए मुझे। जी, यस मैम। सना, कोई तो ऐसी बात होगी ना जो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। अगर मेरी बेस में प्रॉब्लम था मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरी ब्लेंडिंग अच्छी थी, कोई तो पॉइंट्स होंगे ना कि मुझे वाइल्ड कार्ड पे लेकर आए। फजूल में तो नहीं लेकर आए ना वो लोग, ये भी तो आप देखें, आप पूरा शो गौर से देखिएगा। थैंक यू। ऑलराइट जी, मुकाबला शुरू। No, it's fine. एक बात मुझे भी यहाँ पे ऐड करनी है, जो आप कह रही हैं कि हम दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते, ना राउंड वन में हम किसी को जानते थे, ना राउंड टू में हम किसी को जानते थे। तो अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि आज आप बिल्कुल मेरा डिफरेंट रूप देखेंगे, तो अब आप सब तैयार रहें मेरे क्रिटिक के लिए।